हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर सुकुमल ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई। आज हमारे पास ये बेनेली का मीटर आया हुआ है जिसके अंदर डिस्प्ले का इशू है, तो ऑलरेडी मैंने इसे खोल लिया, तो अभी इसको डिसमेंटल करता हूँ मैं पूरा। ये मीटर में ये ग्राफिक्स का इशू है, अभी इसको पूरा खोलते हैं, देखते हैं। बेनेली के मीटर में पिन आउट्स का कुछ इशू नहीं रहता। अगर आपने इसको खोला तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, बिन, बैटरी, ग्राउंड, स्पीड, सब इधर पे दिया हुआ है। फ्यूल का है, के लाइन का है, ईसीयू का है, के ईसीयू, सब कुछ इसमें रहता है। तो बेनेली के मीटर में ज़्यादातर जितना भी मैंने बनाया हो तो पिन आउट्स ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। तो बेनेली के मीटर के लिए पिन आउट के लिए टेंशन नहीं लेना है, मीटर खोल देना है और खोलने के बाद इसके पिन आउट्स लगाने हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अभी इसको पिन आउट दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मीटर चालू हो गया, ये ग्राफिक्स डल हो गया ना। तो अभी इसका जो काम हमें करना है वो काम करना है डिस्प्ले के अंदर। ये डिस्प्ले को डिसमेंटल करना पड़ेगा। डिसमेंटल करने के बाद में इसका पूरा प्रोसेस चालू करेंगे, तो पूरा टाइम लगेगा, ये सब पिन डिसोल्डर करने पड़ेंगे मुझे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये पूरा मैंने डिसमेंटल कर लिया है। इसकी देखिए एक एक पिंस पूरी है ना। अभी इसको मेरे को हल्का हल्का पुश करना पड़ेगा, एकदम आराम से निकल गया है। क्या अटक रहा है, इसे फोर्स ज़रा भी नहीं देना है। थोड़ा भी फोर्स दिएगी मिट्टे डिस्प्ले ख़त्म। ये अटक रहा है, देखो ये एक अटक रहा है ना। ये स्मूथ में जा रहा है, ये स्मूथ नहीं जा रहा है। ये स्मूथ क्या है, ये स्मूथ। अभी अगर मैं फोर्स करूँगा ना तो डिस्प्ले टूट जाएगा। ये कौन सा अटक रहा है, ये वाला, इसको वापस लगाना पड़ेगा मुझे। तो देखो ये पूरा टोटल अभी डिस्प्ले अलग हो गया, सर्किट अलग हो गया। अभी हमारा जो मेन काम है, मेजर काम है, वो है इस डिस्प्ले पे। ये डिस्प्ले को बहुत प्यार से बाहर निकालना है, बहुत प्यार से। यहाँ पे सब जगह ग्लू लगे हुए रहते हैं इसके, पहले ये ग्लू को थोड़ा काटना पड़ेगा। जितना हो सके उतना ये सब डिस्प्ले निकालने में ना ताकत लगानी नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा हो कि ताकत यूज़ करते हैं, इस पर ताकत चलते है नहीं। इधर से ये ग्लू रहते हैं ना डिस्प्ले पे लगे हुए रहते हैं, इसको हल्का हल्का सा काट लिए, इधर पे से थोड़ा ये काट लिए। बहुत प्यार से निकालना है इसे, नहीं तो डिस्प्ले टूट जाता है। ये निकल गया है, बचाइए। निकल 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 मेरा भाई, शाबाश। ये देखो, देख रहे हो, ये इसको पकड़े हुए रहता है। होता क्या है कि हम फोर्स देते
और ये अपना काम कर दे करके निकल जाता है। तो अभी जो हमारा मेन काम है वो अभी हमें डिस्प्ले इसको काम करना है। तो अभी इसको बनाता हूँ मैं, बनाने के बाद फिर देखते क्या इशू है, क्या आ रहा है, ग्राफिक्स कैसा आ रहा है हमारा। एक चीज़ और बताना भूल गया कि जब मैं डिस्प्ले निकाल रहा था उस टाइम पे देखो ये दो पिन है ना, ये टूट गई है। तो बनाने के बाद में मुझे इसको जंपिंग करना पड़ेगा। अभी इसका जो डिस्प्ले का था वो काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसको जाने वाला हूँ इसके अंदर लगाने के लिए। इसको लगाना भी परफेक्ट, हर एक चीज़ वापस ध्यान में देना है। पहले तो मुझे इसका ये बनाना पड़ेगा जो देखिए दिखाया था मैंने, देखिए पहले ये बनाने के बाद ही इसको फिट करता हूँ। देखिए जैसे कि आ गया पूरा इसका ग्राफिक एकदम क्लियर, एक बार वापस चेक कर लेते हैं इसका नीडल्स वगैरह वर्किंग है कि नहीं। नीडल्स भी वर्किंग है, ग्राफिक भी एकदम परफेक्ट है सब। सो ये जॉब आया था हमारे पास, कस्टमर का इश्यू ये था कि इसका जो ग्राफिक था वो ब्लर हो गया था, तो उसे रिपेयर करना था। और रिपेयर प्रोसेस तो ऐसे नॉर्मली है, लेकिन थोड़ा सा ये बैनेली है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि कुछ गलत प्रेशर ना लग जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।